हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे पास जो भी कपड़ों की कटिंग के बाद छोटे बड़े टुकड़े बचे रहते हैं, उसे मैं दो तरह के फैब्रिक लेस और दो रबर बैंड और एक लटकन बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ बनाने के लिए मैंने कपड़े के दो छोटे पीस लिए हैं। लंबाई लगभग 7 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी। दो बार फोल्ड करके हमें पत्ती का शेप बना लेना है और इसकी कटिंग करेंगे। इसे मैं रबर बैंड बना रही हूँ। दोनों कपड़ों के पीस के ऊपर हमें रखकर इसे मार्क कर लेना है। इसी मार्क पे हमें कटिंग करनी है। अगर घर में बच्चों की फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं तो जो कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं उसे आप इस तरह के मैचिंग रबर बैंड बना सकते हैं। किनारे किनारे हमें सिलाई करनी है और थोड़ी सी जगह खुली रखी है मैंने, जिसे हम इसे सीधा करेंगे। कॉर्नर पहले काट लेंगे और किनारे किनारे हमें हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, जिसे सीधा करने में आसानी होगी। अब जो थोड़ी सी खुली जगह हमने रखी थी उसमें से हमें इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं प्रेस कर लेनी है और किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच चलानी है। जो खुली जगह है उसमें फोल्ड करके उसे भी सिल लेंगे। अब रबर बैंड में इसे डालकर हमें एक नॉट लगा लेनी है। एक ही बार नॉट लगाएंगे, अच्छी तरह से खींचकर। देखिए कितना सुंदर सा ये रबर बैंड तैयार हो गया है। जो भी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे आप रबर बैंड बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा ये रबर बैंड बनकर तैयार हो गया है। दूसरा रबर बैंड बनाने के लिए मैंने थोड़ा लंबा कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई लगभग 19 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। एक किनारे को हमें अंदर फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। किनारे पे मैंने सिलाई कर ली है। अब कपड़े को उल्टा करेंगे और लंबाई में सिलाई कर लेंगे। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे सीधा करेंगे। इसे प्रेस कर लेंगे। मैंने इस पे आयरन कर लिया है। अब मैंने एक इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लंबाई लगभग 8 इंच है। इलास्टिक को पिन की हेल्प से हम कपड़े के अंदर डालेंगे। अब इलास्टिक के दोनों साइड को हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड को हमें सिल लेना है। देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब जिस किनारे पे हमने सिलाई नहीं की थी उसे अंदर डालेंगे और ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है। रबर बैंड बनकर तैयार हो जाएगा। रबर बैंड बन गया है। इस तरह के आप ढेर सारे बैंड बना सकते हैं। लटकन बनाने के लिए मैंने स्क्वायर कपड़ा लिया है। लगभग 4.5 इंच लंबाई चौड़ाई है। बीच से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें डोरी रखनी है। अब दोनों कॉर्नर को हमें ऊपर ले जाना है। दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पे हमें सुई धागे से सिलाई करनी है।
धागे को खींचते हुए अच्छी तरह से गांठ लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें काट लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। लटकन बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों के फ्रॉक में लगा सकते हैं, कुर्ती वगैरह में लगा सकते हैं। कई बार कपड़ों में मैचिंग कलर के बदले कंट्रास्ट कलर भी अच्छे लगते हैं, तो आपके पास जो भी कपड़े बचे हुए हैं उसे आप इस तरह के लटकन बना कर रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो तो कपड़ों में इसे लगा सकते हैं। टेसल बन गए हैं। अब हम फैब्रिक की लेस बनाएंगे जो बहुत ही आसान है। मैंने रिबन से लेस बनाई है। ये साटन रिबन नहीं है, प्लेन रिबन है। आप चाहे तो कपड़े से भी आप इस लेस को बना सकते हैं। बस हमें दोनों साइड पहले कपड़े के दोनों साइड को पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है, उसके बाद ये लेस बनाने के लिए कपड़ा तैयार हो जाएगा। इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है, लंबाई आप जितनी भी ले लें। इस कपड़े की चौड़ाई 2 इंच है। नीचे से मैंने 2 इंच पहले छोड़ दिया है, 2 इंच पे मैंने मार्क किया। उसके बाद हमें 2 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच के बाद मैंने 1 इंच पे मार्क किया है, उसके बाद फिर 2 इंच, उसके बाद फिर 1 इंच। इसी तरीके से हमें मार्क करना है। अगर आप 3 इंच पे पहले मार्क करेंगे, चौड़ी लेस बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमें 1.5 इंच पे यानी उसके हाफ पे मार्क करना है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। जो पहली लाइन हमने 2 इंच वाली स्टार्ट की थी, वो ड्रॉ की थी, उसको हमें 1 इंच वाली लाइन के ऊपर जाकर इस तरीके से रखना है। अब कपड़े को बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सुई धागे से हमें इसे सिलाई कर लेना है। बहुत आसान है ये। आप इसे बच्चों की फ्रॉक में या सूट वगैरह में लगा सकते हैं, स्लीव्स पे भी ये लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इसमें यहाँ पे मैं एक मोती लगा रही हूँ। जो ऊपर का वाला नुकीला भाग है वहाँ पे भी हमें इसे हल्का सा टाक लेना है। अब फिर से हमें इसे फोल्ड करना है। देखिए यहाँ तक हमें आप चाहे तो इसे स्केल से आप लाइन ड्रॉ करके लेस को बनाएं या फिर अंदाजे से फोल्ड करके भी आसानी से बन जाती है, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई 2 इंच है और 2 इंच पे मैंने मार्क किया है। अगर आप कपड़ा 3 इंच चौड़ा ले रहे हैं तो 3-3 इंच पे 3 इंच फिर 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए इस लेस को आसानी से बना सकते हैं। इस तरह अंदाजे से हम फोल्ड करेंगे थोड़ी दूरी पर और वापस नीचे फोल्ड करते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। लेस बनानी बहुत आसान है। यहाँ पे पहले मैं सिलाई कर लूँगी, उसके बाद आगे बनाऊँगी। इस तरीके से हमने कपड़े को पकड़ा है अंदाजे से और वापस नीचे फोल्ड करना है। ये देखिए डिज़ाइन बन गया है। इसी तरीके से हम पूरी लेस को बना लेंगे। यहाँ भी एक मोती लगा लेंगे। अब मैं दूसरे डिज़ाइन की लेस बताऊंगी। इसके लिए आप प्रिंटेड भी कपड़ा ले सकते हैं या प्लेन भी ले सकते हैं। कपड़ा मैंने 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लिया है, कोई भी आप साइज ले सकते हैं। कपड़े को हमें 2 बार फोल्ड करना है, एक बार इस तरीके से और फिर बीच से फोल्ड करेंगे तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। अगर आप कुशन वगैरह में लगाना चाह रहे हैं तो इसको आप बड़े साइज़ का कटिंग कर सकते हैं, या फिर फ्रॉक वगैरह में लगा रहे हैं तो आपको और भी इस स्क्वायर को छोटा लेना है। यहाँ पे मैंने गोटा लिया है। गोटे की जगह आप कपड़े को फोल्ड करके भी डोरी बना सकते हैं। इसमें हमें इसे स्टिच करना है, वो स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगी।
इसकी पहले मैंने सिलाई कर ली है, सभी पीस को फोल्ड करके सिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेस में हमें इस तरीके से इसे लगाना है, ऊपर से मैंने गोटा रखा है, नीचे कपड़े को रखकर हमें सिलाई चला लेनी है। इसी तरीके से कपड़ों को हम फोल्ड करके लगाते जाएंगे। आप प्रिंटेड कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़रूरत के अनुसार इसका साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बस हमें इसे सिलाई करते जाना है। और देखिए लेस बनकर तैयार हो रही है। दूसरे तरीके से भी हम इस लेस को बना सकते हैं। जो ट्रायंगल पीस है वो एक दूसरे के हमें नीचे रखना है और ऊपर से सिलाई करते जाएंगे, बिल्कुल पास पास हमें रखना है। देखिए आधी दूरी में हमने इसे दबा कर रख दिया है। तो ये लेस की अलग डिज़ाइन बन गई है। देखिए रंग बिरंगी ये लेस कितनी सुंदर लग रही है। इसे मैंने दो डिज़ाइन में बनाया है। आप इसमें चाहें तो और भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आप इसमें प्रिंटेड भी मिक्स कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास अभी ढेर सारे कतरन हैं और आइडियाज़ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर